क्या हुआ? आप लोग ऐसे स्टैचूज की तरह क्यों खड़े हो? हेलो, श्वेता, ये क्या कर रही हो? पहले फर्नीचर तो देख लो, टूटा तो नहीं? क्या ये देव का होती ना तो कभी भी ऐसा ना करती। हाय, वो तो बेचारी जरा जरा सी बात पर मेरी मदद करने के लिए दौड़ती थी। क्या हो रहा है ये सब? अभी तक सब कुछ बिखरा क्यों पड़ा हुआ है? आपने सब कुछ ठीक क्यों नहीं किया आंटी जी? मुझे चोट लग गई थी बड़े जोर से, इसलिए। तो क्या हुआ? चोट तो लगती रहती है, इसका मतलब आप काम बंद कर देंगी क्या? मैंने आपसे कहा ना श्रद्धा आने वाली है, उसके आने के बाद सब कुछ करेंगी। कम ऑन, चलिए सब शुरू कीजिए। काम ही करे तो कुछ हाथ भी छिल गए तब से काम करते करते। रिलैक्स, ये तुम क्या कर रही हो? इन लोगों की क्लास तुम बाद में लगा लेना, इस वक्त रवि पर कॉन्सेंट्रेट करो। तुम्हारी शादी उससे होने वाली है, और सच कहूँ तो मुझे तो बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग है कि रवि एक नंबर का फ्लर्ट है। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि वो सच कह रहा था कि उसने मुझे देविका समझ कर हक कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंबिका समझ कर ही उसने मुझे हक किया? तुमने देखा ना वहाँ पार्टी में उसने मेरे साथ कैसे डांस कर रहा था, मुझे ही वहाँ से हट के जाना पड़ा। बट यू नो वॉट निवेदिता, यू डोंट वरी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और इसीलिए परेशान हूँ कि कहीं तुम्हारे साथ, देखो मेरी साइड से कभी कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ और मुझे तुम्हारे मंगेतर में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या पता वो बाहर किसी और लड़की के साथ, यू कॉन्ट ट्रस्ट एनी वन, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, रवि पर नजर रखो। थैंक्स अंबिका, आई रियली अप्रिशिएट इट, तुम सच में एक बहुत अच्छी दोस्त हो। रवि को तो मैं बाद में हैंडल करूंगी, पहले मुझे इन लोगों को हैंडल करना है। श्वेता, क्या कर रही हो तुम अभी तक यहाँ पर? हाँ, वो मम्मी जी के किचन में जो काम दिया था वो किया तुमने? किया तुमने तो जाकर करो ना उसे अभी। अब तुम्हें एहसास होगा निवेदिता कि एक लड़की पर क्या गुजरती है जब उसका लाइफ पार्टनर, उसका पति उसे चीट करता है। उस वक्त मैं भी बहुत तकलीफ से गुजरी हूँ। अपने पति को किसी और का होते हुए देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे देखना पड़ा। लेकिन अब हालात पलट गए हैं, जो दर्द मैंने सहा है वो तुम महसूस करोगी। देख लड़के, अगर तू मुझे झूठ बोलकर अंदर ले जा रहा है ना तो खबरदार, अगर देविका वहां नहीं हुई तो बख्शूंगी नहीं मैं तुझे। मैम, आप सबसे एक ही बात क्यों पूछी जा रही है? मैंने आपसे कहा ना कि देविका जिंदगी का रोब आपसे मिलना चाहती है, फिर भी आपकी पटर पटर बंद नहीं होती। देख, कान खोलकर सुन ले, आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुझे, इसके बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आया समझ में? ठीक, आप अंदर चलिए, आप कुछ नोटेंगे अंदर के लिए भी बचा के रखिए, ठीक है? ठीक है, अंदर चलिए। आइए, आप आइए। आप पूछ रही थी ना कि देविका जिंदा है कि नहीं, ये रही देविका। तो वापस आ गई मेरी बच्ची। चली गई थी, पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने सुना था माता के मंदिर के पास किसी ने तुझे मार दिया है और तू, पर सच कहूं मुझे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अंबे माँ की सबसे बड़ी भक्त है, और अंबे माँ तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, तुझे कैसे मौत दे सकती हैं, वो भी तब जब तू उनके शरण में थी। मुझे पूरा यकीन है जरूर किसी ने तुम्हारे साथ गंदी चाल चलने की कोशिश की है, तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हें उस पहाड़ी से नीचे धक्का दिया होगा। रो मत मेरी बच्ची, हिम्मत रख, अंबे माँ है तेरे साथ, वो तेरी सहायता करेंगी, इसलिए तो तू जिंदा है, जिसे तू अपने हथियारों से बदला ले सके। जिन्होंने तेरी जमीन हड़पने की कोशिश की, लगता है ये सबके सामने खुलकर नहीं बोल पा रही,
मुझे इससे अकेले में बात करना है। गया? शाम। चल मेरे साथ। मेरा दिल दिमाग इस बात को लेकर परेशान है कि देवी का ऐसा क्यों कर रही, और अगर वो अंबिका है तो फिर मिस लूथरा के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों? लेकिन अगर वो देवी का है तो फिर मुझसे दूर क्यों है? पहाड़ी से गिरने के बाद अगर वो बच गई तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या उसे नहीं मालूम कि उसका रवि उसके लिए कितना तड़प है? क्यों वो अंबिका रायचंद की झूठी पहचान लेकर जी रही है? क्यों वो मेरे पास लौट कर नहीं आई? आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? पहाड़ी वाले हादसे के बाद मैंने पागलों की तरह उसे ढूंढा, ना वो मिली ना उसकी डेड बॉडी। मेरा दिल इस बात को नहीं मानता कि वो देविका नहीं, और अगर वो देविका है तो फिर अंबिका रायचंद क्यों अंबिका रायचंद बनकर जी रही है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या मकसद क्या उसका? और अगर इसके पीछे कोई मकसद है, कोई वजह है, तो मैं हर हाल में जानकर रहूंगा। अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुझे मेरी देविका वापस चाहिए, मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। मैं जानती हूँ बेटा, तू वहाँ सबके सामने खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। ये घर भी मुझे बहुत मनहूस लगता है, हर जगह से झूठ और दगाबाजी की बू आती है। मुझे अच्छी तरह पता है तू इस मुसीबत से होकर गुजरी है। सच सच बता बेटा, तुझ पर किसी तरह का कोई दबाव है क्या? कोई खतरा है तुझे? क्योंकि वो जो निवेदिता है ना, तेरी सौतन, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी डायन से कम नहीं है वो। मुझे तो लगता है तेरे साथ जो हादसा हुआ है ना, वो भी उसी ने कराया है। या तो तेरे पति को पाने के लिए, या फिर तेरी जायदाद हड़पने के लिए। एक राज की बात बताऊं, इसीलिए तेरी जमीन पर पैर जमा कर बैठी हूं मैं, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे वहां से उखाड़ कर फेंकने की। अरे 25 बार तो वो मोंटी आया मुझे समझाने, और रवि भी आया हाथ जोड़कर विनती करने, और तो और ये निवेदिता मैडम, इन्होंने तो मुझे धमकी भी दे डाली। मेरी जान पर बनाई पर मैं टस से मस नहीं हुई। तेरी माँ तेरे लिए रख के गई ना ये जमीन, अब इसका जो भी होगा वो फैसला तू ही लेगी। थैंक यू आंटी जी, आपको पता है आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद वो ऐसा ना कर पाता। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से शब्दों में आपसे शुक्रिया कहूँ। थैंक यू कि मेरे यहाँ ना रहते हुए भी आपने मेरा साथ दिया। मेरी माँ का जो आप पर विश्वास था उस पर आप एकदम खरी उतरी। आंटी आपके बहुत एहसान है मुझ पर। ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं तो बस ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, और फिर मेरी दो वक्त की रोटी भी तो उसी ज़मीन से आती है। ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे के हवाले कर दूंगी? वो जमीन तुम्हारी है, और उसका जो भी होगा वो फैसला सिर्फ तुम करोगी। आपको पता है आजकल तो अपने भी धोखा दे जाते हैं। हमें आपकी कुछ लगती भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया। सही कहती थी माँ, आप अपने उसूलों की एकदम पक्की हो। थैंक यू। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तो किस तकलीफ से गुजरी है। तेरे अपनों ने ही इस जायदाद के पीछे तेरी पीठ में झुरा घोंप दिया, पर तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ थी हूँ और रहूँगी। तेरे खिलाफ साजिश करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। रेखा चाची आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी कि आप एकदम ईमानदार हो, अपने फर्ज के लिए चट्टान की तरह खड़ी रहती हो। आज देख भी लिया, आज मैंने दिल से आपकी अच्छाई को महसूस किया। मैं नहीं जानती थी कि आज भी आप जैसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। तुझे पता है मुझे तुझमें तेरी माँ की झलक दिखाई देती है, एकदम सीधी साधी भोली भाली, सबसे प्यार करने वाली। दिल तो एकदम खरा सोना है तेरा। तेरी माँ ने भी बहुत कुछ चाहा था अपनी जिंदगी में, पर उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरी सांस तक बुराई से लड़ती रही, और आज वही शक्ति मुझे तुझमें दिखाई दे रही है। जानती जिस पर मैंने तुम्हारा हाथ छुआ मुझे महसूस हो गया यही मेरी देविका है,
वरना मुझे तो लगा था ये निवेदिता है ना किसी नाटक वाली को लाई होगी देविका बनाकर मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए। मुझे तो पूरा शक है, आप बात कीजिए। मैं बात करूंगी, मेरी बात सुनूंगी तब ना। बात तो कीजिए, सुनेगी। देखते आ रही है, आ रही है, मैं कोशिश करती हूँ। अब निवेदिता जी उतर, एक बारी मेरी बात सुन लो जी, मैं हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है, एक बारी आप वो बात सुन लो जी। मुझको लगता है ये जो जी अंबिका है ना, ये अंबिका नहीं है जी, ये देविका ही है जो कि अंबिका होने का नाटक कर रही है, और जी आज आपके कहने के बाद ना वो देविका ही देविका बन के आ गई है जी। बंद करिए ये बकवास, कितनी बार आपसे कहूँ कि वो अंबिका ही है देविका नहीं है, आप अपने अंदर की आवाज अपने अंदर ही रखिए। आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग। हां जी, हां तो भी आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती कि वो देविका नहीं है? क्योंकि मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं, सही और गलत का फर्क समझती हूं मैं, भूसा नहीं भरा है मेरे दिमाग में। और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप दोनों जलती हैं अंबिका से? हाँ, अच्छा नहीं लगा ना आप लोगों को जानकर कि उसने मेरी जान बचाई, अभी अभी मेरी दोस्त बनी है, लेकिन कितनी फिक्र है उसे मेरी, कितने काम आती है वो मेरी। अभी भी देखिए, मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए वो जमीन छुड़ाने के लिए राजी हो गई। Not like you people. मेरे किसी काम आई आज तक आप? मेरे ही टुकड़ों पर पलती है, लेकिन Never mind really. नहीं वैसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? जाकर पता करती हूँ। तो कुछ बात सुनने को भी आदमी समझती नहीं है। छोड़ो मम्मी जी, खुद भुगतेगी। हाँ आंटी, आपने सही कहा, मैं ही देविका हूँ। अंबिमा कैसे मुझे कुछ भी होने देती, अंबिमा ने मुझे बचा लिया। सिर्फ अंबिमा की कृपा से मौत के मुंह से भी लड़कर मैं वापस आ गई, और इस सब में साथ दिया मेरी जान की माँ ने, उन्होंने मुझे अपनाया, अपनी बेटी की तरह रखा, और अब मैं लौट आई हूँ सबसे बदला लेने के लिए। अब मैं अपना सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, सब कुछ। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ये हुई ना हिम्मत वाली बात, पर एक मुश्किल है बेटा, अभी तो ये जायदाद निवेदिता के नाम पर है, और अगर मैं जमीन का कब्जा छोड़ देती हूँ तो जमीन उसको मिल जाएगी, और इस तरह तो वो जीत जाएगी ना। नहीं आंटी, उसके लिए भी कुछ सोचा है मैंने। आप उन सबसे यही कहोगी कि आप वो जमीन सिर्फ और सिर्फ तब छोड़ोगी जब वो जमीन देविका के नाम होगी, और आप इस बात पर टिकी रहोगी चाहे वो कुछ भी कहे। आप सिर्फ यही कहना कि पोजेशन पेपर्स पर आप तभी साइन करोगी जब वो देविका के नाम पर होंगे, वरना नहीं करोगी। बहुत बढ़िया सोचा है बेटा। अब तू देख, अब मैं इसी बात पर जोर दूंगी कि जायदाद जब तेरे नाम पर होगी ना तभी मैं उस पर साइन करूंगी, वरना जाए सब तेल लगाने। तू देख मैं कैसे अड़ियल टट्टू बन जाती हूँ, फिर तो उनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, फिर तो उन्हें जमीन तेरे नाम करनी ही पड़ेगी ना। थैंक यू आंटी, आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया कैसे करूँ, लेकिन अगर आप नहीं होती तो मैं ये सब ना कर पाती। अब आप देखना, एक बार ये जमीन मेरे नाम हो गई तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत होगी, और मेरे दुश्मनों की सबसे बड़ी हार। रब करे ऐसा ही हो मेरी बच्ची। थैंक यू। क्या हो रहा है? निवेदिता, श्रद्धा आंटी रेडी हैं, वो पेपर साइन करने के लिए तैयार हैं, है ना आंटी? थैंक यू। हाँ, मैं उस जमीन का कब्जा देने को तैयार हूँ, उसके जो भी कागजात हैं उस पर दस्तखत कर दूंगी मैं। थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम इनको लेकर बाहर आ जाओ, मैं तब तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती हूँ, वो लॉयर से पेपर्स तैयार करवाना है एंड ऑल दैट। ओके ओके। सुना तो नहीं है उसने? नहीं नहीं आंटी, थैंकफुली कुछ नहीं सुना, और अगर कुछ पूछेगी भी तो मैं मैनेज कर लूँगी। आंटी थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, कि हमारी लड़ाई के खिलाफ हमारी पहली जीत होगी। मैं तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची, चिंता मत कर, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। चले।
आंटी जी लंच की तैयारी कर दीजिए, जैसे ही पेपर साइन हो जाएंगे विल ऑल हैव लंच। श्रद्धा जी सर पता नहीं ये क्या कर रही है। अंबिका इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि निविता के हाथ ये जायदाद लगने देगी, तो फिर ये इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? अगर ये देविका है तो अपनी जमीन मिस लुथरा को क्यों दिलवा रही है? क्या है ये सब, पागल समझा है तुमने मुझे? बेवकूफ नजर आती हूँ मैं? ये पेपर तो तुम्हारे नाम पर है, मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। पढ़ी लिखी हूँ, इतना समझ में आता है मुझे। जब तक ये पेपर्स देविका के नाम नहीं हो जाएंगे मैं इन पर दस्तखत नहीं करूंगी। और ये लूथरा वूथरा को मैं जानती नहीं हूँ, ये पेपर्स ना तो उसकी बेटी के नाम पर ना उसकी कंपनी के नाम पर होंगे, समझ में आया? What? क्या बकवास कर रही हैं आप? आपने पहले ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आपने कहा था कि आपको देविका से मिलना है तो आपने मिल लिया, ठीक है। अब देविका आपके सामने खड़ी है, तसल्ली हो गई ना आपको? चुपचाप साइन कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। देख लड़के, तू अपनी हद में रहकर बात कर, क्या कर लेगा वरना, क्या करेगा मेरा बोल? देखिए अभी तक हम लोग आपसे बहुत तमीज से पेश है, अगर इससे ज्यादा होगा ना तो हम लोग जबरदस्ती भी कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, क्या कर रहा है मोंटी? मैंने इतनी मुश्किल से श्रद्धांति को कन्विंस किया है, अगर इसने ऐसी बात की ना उनसे तो उन्हें पक्का शक हो जाएगा कि मैं देविका नहीं हूँ, और फिर तुम्हारे हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज उसको रोको, वो ऐसे बात नहीं कर सकता उनसे। मोंटी शट अप, हाउ डेयर यू टॉक टू श्रद्धा जी लाइक दैट? अगर वो कुछ कह रही हैं तो हमें उनकी बात समझनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स की इज्जत करनी चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि प्रॉपर्टी देविका के नाम की जाए तो देविका के नाम के प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवाओ, जस्ट डू इट, फिर ये साइन कर देंगे। अच्छा है कि निवेदिता इस प्रॉपर्टी के लिए इतनी डेस्परेट है, बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहे सब ठीक हो जाएगा। निवेदिता तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, अगर श्रद्धा आंटी इन पेपर्स पे साइन किए बगैर यहाँ से चली जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, इसलिए बेटर है तुम पेपर्स पर साइन करके ही यहाँ से जाए। और एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई फिर तो मैं तुम्हारे नाम कर ही दूंगी ना, राइट? या मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मोंटी कल सुबह तक पेपर्स तैयार हो जाने चाहिए। लेकिन मैम अब समझने की, मोंटी जस्ट डू इट, प्रॉपर्टी देविका के नाम पर है तो उसी को मिलनी चाहिए, आफ्टर ऑल अब देविका जिंदा है, वापस आ गई है, और देविका की माँ भी तो यही चाहती थी। मेरे थ्रू अगर ये प्रॉपर्टी देविका को मिलती है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। श्वेता बेबी, निवेदिता क्या कर रही है? मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, आपको पता तो है हमारी नहीं सुनने वाली। जाओ जाके पेपर तैयार करो, ठीक है? तो तुम सुबह तक पेपर तैयार करा लो, मैं सुबह आकर साइन कर दूंगी, अब मुझे चलना होगा। श्रद्धा जी हैव अ सजेशन, ये आप आने जाने की तकलीफ क्यों कर रही है? आज आप यहीं रुक जाइए, कल सुबह जैसे ही पेपर तैयार हो जाएंगे आप उन पर साइन कर देना, इट बी कन्वीनियंट। हाँ श्रद्धा आंटी रुक जाइए ना, निवेदिता बिल्कुल ठीक कह रही है, आज रात आप यहीं रुक जाइए। ठीक है तुम कहती हो तो मैं रुक जाती हूँ। हाँ माँ, और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ एक्चुअली में हो रहा है मेरे साथ। मेरा इतना पुराना सपना पूरा होने जा रहा है, आपको पता है माँ? कल सुबह होते ही वो जमीन मेरे नाम पर आ जाएगी। वो जमीन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी माँ का नाम, उनकी पहचान, उनका सपना है वो। और देखना एक बार वो जमीन मेरे नाम पर आ जाए ना, वहाँ पर मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगी। पर आपको पता है ये जमीन मेरे नाम पर होते ही ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, और निवेदिता और उसके साथियों के लिए सबसे बड़ी हार। गॉड ब्लेस यू बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है।
और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि कल सुबह तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। एक बार कल वो पेपर साइन हो जाएंगे ना, फिर